लव योर टीम, मैंने सब्जी वाले के लेक्चर्स देख अनुराग मैं मारूंगा तेरे को आके उसके बाद प्लस आर्मी, ओके देयर इज अ प्लस आर्मी आल्सो, ओके 98% आए सर, इतनी मदद तो भगवान भी नहीं करते सर, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। लव योर टीम, मैंने सब्जी वाले के लेक्चर्स देख लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, है ना, एंड प्लीज नो हेटेड गाइज, आई रियली डोंट अप्रिशिएट दैट कॉमेंट, प्लीज जो भी आपने लिखा था, वी लव यू बेटा बट डोंट राइट दैट, ऐसा कभी कोई नहीं लिखेगा, एंड दिस इज वेरी रॉन्ग, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमारी टीम को भी नहीं डालना चाहिए था ये। हाँ, नहीं वो उनको समझ में नहीं आया होगा, उनको नहीं आया होगा, दे आर नॉट दैट कनेक्टेड विद व्हाट इज हैपनिंग, यस ओके। और चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, आई वॉन्ट टू जस्ट हाईलाइट वन मोर थिंग हियर फॉर ऑल ऑफ यू, आई थिंक एवरी वन, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एवरी वन इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड आई थिंक अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है बच्चों, आप अगर यूट्यूब पे पढ़ रहे हो और इतना सारा फ्री कॉन्टेंट है तो आप पढ़ो ना, अप्रिशिएट करना सीखो, इफ यू डोंट अप्रिशिएट, इफ यू डोंट हैव ग्रेटिट्यूड, आई डोंट थिंक सो यू डिजर्व एनीथिंग इन लाइफ, लाइफ में अगर आप ये बहुत जरूरी है यार, आभारी होना बहुत जरूरी है, अगर आप सी यू नो एवरीबडी सरेंडर्स टू वन थिंग, कैन समवन टेल मी व्हाट डज एवरीबडी सरेंडर टू, कोई मुझे बता सकता है इन कॉमेंट, इफ यू सरेंडर टू दैट वन थिंग यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, ऑलवेज लर्न हाउ टू सरेंडर, किस चीज से सरेंडर करना चाहिए, पुलिस के सामने नहीं सरेंडर करना चाहिए, बताओ है ना, किस चीज के सामने सरेंडर करना चाहिए, कोई नमो कॉल अनुराग मैं मारूंगा तेरे को आके मजाक नहीं चल रहा, गॉड नहीं, लव नहीं, आई थिंक द बेटर शब्द इज नेचर, आपको नेचर जो है ना, ये जो नेचर है, नेचर के सामने सरेंडर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वंस यू डू दैट द पीस ऑफ माइंड किक्स इन, द क्लैरिटी ऑफ थॉट किक्स इन, हमेशा इस चीज को समझो, क्योंकि अगर आप कभी सरेंडर नहीं करोगे ना, आप हमेशा भागते रहोगे इधर उधर, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए, आपको सच में बिगर पिक्चर देखनी है तो डू दैट, सच बता रहा हूँ, ये हेटरेट से कुछ नहीं होगा, आप कुछ बुरा लिखोगे वहां से कुछ बुरा रिस्पॉन्स आएगा, ये क्यों करना है यार, इंस्टेड लेट्स स्टार्ट लविंग एवरीवन, मैं सच बता रहा हूँ ना, गांधी जी ने एक बहुत अच्छी चीज सिखाई थी, लगे रहो मुन्ना, मुन्ना भाई देख लेना आप लोग, सच बता रहा हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज है ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस के बाद जो लगे रहो मुन्ना भाई है ना, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, है ना, कितनी बार इतने सारे लोग हमारे चैट में आके कुछ लिखते हैं, एंड यू नो व्हाट डू वी राइट इन रिस्पॉन्स, कि वी लव दैट पर्सन, वी राइट दिस, क्योंकि आप सोचो अगर किसी में हेटरेट है तो उसको आप हेटरेट दोगे तो क्या होगा, अगर सब अपनी एक दूसरे की आंख फोड़ते रहेंगे तो सब ब्लाइंड हो जाएंगे ना, an eye for an eye will make the whole world blind, someone has to stop it, bilkul sahi, and stop it with love and genuine love, aise bolne ke liye nahi, sarcasm nahi, sarcasm bhi appreciate nahi hoga, genuine love show karo, and trust me you will see that you are at the top, you will all see yourself at the top, but wo gandhigiri leke aao, wo gandhigiri sach mein leke aao, sach bata raha hu, it will really help you miles, an academy mein humne kabhi bhi aapko hatred sikhai thi kya, batao kabhi bhi sikhai thi kya, kabhi ha kabhi kabhi gussa aa gaya hoga, but kabhi bhi hatred nahi sikhai thi, तो प्लीज इंश्योर क्या करें कि टॉक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, एंड यू विल रियली सक्सीड, क्यों समीर सर, बिल्कुल यार, मतलब पॉजिटिव रहना है, मतलब अगर हम यहाँ पर आपको अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स अगर कुछ सिखा सकते हैं, ठीक है, आई गेस देन दैट वुड बी द फर्स्ट थिंग दैट वी वुड ट्राई टू टीच यू, है ना, कि यहाँ पर आपने किस तरीके से बेसिकली अपने आप को यहाँ पर जो है प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है, इवन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड जितना हम जेन्युइन होंगे, जितने हम यहाँ पर जो है अपने काम के लिए यहाँ पर पूरी तरह से डिवोटेड होंगे, उतना यहाँ पर जो है बाकी सारी चीजें अपने आप टेक केयर हो जाए।